अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नेटो चीफ का कैनेडियन वजीर आजम के हमरा आर्कटिक का दौरा। नेटो चीफ को कैनेडा के आर्मी चीफ जनरल वेन आयर ने मुकम्मल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी। नेटो चीफ ने शुमाली खत्ते में कैनेडियन और गैर मुल्की फौजियों से भी मुलाकात की। टोरंटो में तूफान के बाद से शदीद बारिशों की पेशगोई। वीकेंड पर शहर का मौसम खुशगवार रहेगा। इस वीकेंड पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। रूस का कनाडा से मुरम्मत शुदा टर्बाइन वसूल करने से इनकार। कनाडा रूसी गैस पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाली 5 टर्बाइन वापस करने का इरादा रखता है। कनाडियन वजीर खारजा का कहना है कि पुतिन को तवानाई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का जवाब नहीं देंगे। रूसी सदर पुतिन का फौज की तादाद बढ़ाने का हुक्म। 1,37,000 नई भर्तियां होंगी। चैपलिन में फौजी ट्रेन को निशाना बनाया। 200 यूक्रेनी फौजी हलाक। रूस की यूक्रेन में रेलवे स्टेशन पर हमले की तस्दीक। एमन अल जवाहिरी की लाश हमें अब तक नहीं मिली। तालिबान हुकाम का कहना है कि हम मुल्क में अमरीकी ड्रोन्स की मौजूदगी जारी तस्वुर करते हैं। जबीउल्लाह मुजाहिद का कहना था अमरीका को तहफ़ुज़ात हैं तो तालिबान हुकूमत को आगाह करें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. Ghar mein sabki healthy life ke liye. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। नेटो के सेक्रेटरी जनरल कनाडा के शुमाल बईद का पहली बार दौरा कर रहे हैं जिसकी वजह यूक्रेन में जंग पर रूस के साथ मगरिब के बिगड़ते ताल्लुकात हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने आर्कटिक के दौरे के दौरान कनाडा के शुमाली दिफा और सकाफत का करीब से जायजा लिया जो कि बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी मसाफत का इलाका है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के हमरा जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कैम्ब्रिज पे नोनावत में नॉर्थ वार्निंग सिस्टम के रिडार स्टेशन का दौरा किया जो एक ऐसे फिजाई दिफाई निज़ाम का हिस्सा है जिसे शुमाली अमरीका के नोरैड के अरबों डॉलर की तजदीद कारी के हिस्से के तौर पर जदीद बनाया जाना है। इस मौके पर स्टोल्टनबर्ग को कनाडा के आर्मी चीफ जनरल वैन आयर ने मुकम्मल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी। इसने कनाडा के फौजियों और मुमकिन तौर पर चंद दीगर इत्तेहादी ममालिक के फौजियों को कनाडा की सालाना शुमाली फौजी मश में हिस्सा लेते हुए देखा जिसे ऑपरेशन नानो कहा जाता है। ये तकरीब नेटो चीफ के लिए एक याद दहानी थी कि कनाडा के शुमाल में रहने वाले लोगों की जिंदगियां और गहरी जड़ें हैं जो बैन अल-अक़वामी तनाव से आगे बढ़ी हैं जिसने उन्हें वहां पहुंचाया। स्टोल्टनबर्ग ने सामाजिक अहमियत को अपने मुख्तसर बयानात में तस्लीम किया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल कनाडा के शुमाल बईद का पहली बार दौरा कर रहे हैं। ये दौरा कौमी और नेटो दोनों की सलामती के बारे में बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान हुआ है जिसकी वजह यूक्रेन में जंग पर रूस के साथ
मगरिब के बिगड़ते ताल्लुकात हैं। ये दौरा अहम है क्योंकि लिबरल हुकूमत को इत्तेहादियों की जानिब से अपने शुमाली नुक्ते नज़र के दिफा की ज्यादा मिल्कियत लेने के लिए दबाव का सामना है। टोरंटो जीटीए से तूफान गुजरने के बाद मौसमी वार्निंग हटा दी गई है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो जीटीए से तूफान गुजरने के बाद मौसमी वार्निंग हटा दी गई है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि इस वीकेंड पर शहर का मौसम खुशगवार रहेगा। इस वीकेंड पर शहर का मौसम गर्म रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत हफ्ते के रोज 14 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इतवार के रोज 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। हॉल्टन पील में तूफान की वार्निंग हटा दी गई और जुमेरात को जुनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर इलाकों से गरज चमक के साथ गुजरने के बाद मौसम की दीगर वार्निंग खत्म हो गई है। इब्तदाई तौर पर मिल्टन और हॉल्टन हिल्स के लिए तूफान की वार्निंग जारी की गई। कनाडा की मौसमियाती एजेंसी ने इन इलाकों में लोगों को मौसम की खराब सूरत हाल पर नजर रखने और जरूरी हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए खबरदार किया। हॉल्टन पील टोरंटो का शहर, यॉर्क, डरहम और वाटरलू वेलिंगटन सभी गरज चमक के साथ शदीद तूफान की निगरानी में थे, जिसे बाद में उठा लिया गया है। जुनूबी ऑन्टेरियो के कुछ हिस्सों में शदीद मौसलाधार बारिशों की इत्तला दी गई है, क्योंकि जुमे तक इस खत्ते में शदीद से शदीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कनाडा की वजीर खारजा मिलानी जॉली का कहना है कि कनाडा अब भी रूसी कुदरती गैस पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाली 5 टर्बाइन वापस करने का इरादा रखता है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खारजा मिलानिया जूली का कहना है कि कनाडा अब भी रूसी कुदरती गैस पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाली 5 टर्बाइन वापस करने का इरादा रखता है। इस हकीकत के बावजूद कि पाइपलाइन चलाने वाली कंपनी ने एक टर्बाइन कबूल करने से इनकार कर दिया, जो पहले ही जर्मनी को वापस कर दी गई है। जुलाई में कैनेडियन हुकूमत ने 6 टर्बाइनों को जर्मनी वापस भेजने से पहले मॉन्ट्रियल में देखभाल के अमल से गुजरने की इजाज़त देने की छूट दी थी। टर्बाइन्स बाद में रूसी सरकारी कंपनी गैस प्रोम के हवाले कर दी जाएंगी, जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन चलाती है, जो जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक को कुदरती गैस फराहम करती है। एक टर्बाइन जर्मनी को वापस कर दी गई है, लेकिन गैस प्रोम ने तकनीकी मसाइल का हवाला देते हुए उसे कबूल करने से इनकार कर दिया है और दावा किया है कि वो मजीद दस्तावेजात चाहता है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये सामान मगरबी पाबंदियों के ताबे नहीं है। यूक्रेन ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है कि वो जर्मनी की दरख्वास्त पर रजामंदी से सिमेंस कनाडा को पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दे, ताकि वो टर्बाइन वापस कर सके। खुद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्रेमलिन इस इकदाम को कमजोरी की अलामत के तौर पर देखेगा। वफाकी हुकूमत ने जर्मनी के लिए गैस की फराहमी को महफूज बनाने के लिए जरूरी करार देते हुए इस इकदाम का दिफा किया है। कनाडा का मौकफ है कि क्रेमलिन ने कनाडा की तरफ से टर्बाइन वापस करने से इनकार का फायदा उठाया होगा, ताकि यूरोप की तवानाई की किल्लत का इल्जाम रूस पर आयद पाबंदियों की तरफ डाला जा सके, जो यूक्रेन के लिए मगरब में अवामी हिमायत को नुकसान पहुँचा सकता है। उन्होंने कहा, कनाडा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूरोप में अपनी तवानाई के बहाव को हथियार बनाने के लिए किसी भी किस्म का अजर नहीं देना चाहता। रूस ने दावा किया है कि चैपलिन में फौजी ट्रेन को निशाना बनाया गया, जिसमें 200 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने दावा किया है कि चैपलिन में फौजी ट्रेन को निशाना बनाया गया, जिसमें 200 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए। उन्होंने कहा कि पोल्टावा रीजन की एयरफील्ड में 5 यूक्रेनी फौजी तैयारों को भी निशाना बनाया गया है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि डी नेप्रो एयरबेस में भी रूसी फौज ने 3 यूक्रेनी फौजी तैयारों को निशाना बनाया है। दावे के मुताबिक ये हालिया हफ्तों में यूक्रेन की फिजाइया के लिए बड़े नुकसान में से एक है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम ने चैपलिन रेलवे स्टेशन पर रूसी हमले में हलाकतों की तादाद 25 बताई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हुक्म दिया है कि मुल्क की मुसल्ला फौज की तादाद में 1,37,000 अहलकारों का इजाफा किया जाए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आज दस्तखत करदा हुक्मनामे में ये वाज़े ना हो सका कि फौजी अफसरान को तरक्कियां देकर नए अहलकार भर्ती किए जाएंगे या रजाकाराना तौर पर अहलकारों की भर्ती होगी। क्रेमलिन का कहना है कि यूक्रेन में जारी खसूसी मिलिट्री ऑपरेशन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। रूस ने इस तासुर को रद्द किया कि फौज की तादाद में इजाफा यूक्रेन में मजीद दस्ते भेजने के लिए किया जा रहा है।
अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अलकायदा के लीडर एमन अल-ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत एक इल्ज़ाम है जिसकी तहकीकात अभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अलकायदा के लीडर एमन अल-ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत एक इल्ज़ाम है जिसकी तहकीकात अभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अमरीकी ड्रोन्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी जहरियत है। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दाइश को अफगानिस्तान में शिकस्त दी जा चुकी है। दुनिया को अफगानिस्तान में दाइश के खतरे से मुतालिक परेशान नहीं होना चाहिए। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अफगानिस्तान के फजाई हदूद में अमरीका के ड्रोन्स मौजूद हैं। ड्रोन्स के मामले पर अमरीकी हुकूमत के साथ बात हुई है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि हम मुल्क में अमरीकी ड्रोन्स की मौजूदगी जहरियत तस्वुर करते हैं। अमरीकी हुकूमत को अगर कोई तहफ़ुज़ात हैं तो वो तालिबान हुकूमत से शेयर करे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपनी मेज़बान लारिफ खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।